नमस्कार दोस्तों, आज आप में से बहुत से लोग हवाई जहाज़ का सफ़र तो ज़रूर करते होंगे, आपने भी किया होगा। इससे समय की बचत होती है और इसमें घूमने में भी बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन ज़्यादातर लोग को ये कैसे उड़ता है नहीं जानते या फिर कम जानते, तो आइए जानते हैं हवाई जहाज़ क्या होता है और ये कैसे उड़ता है। दोस्तों, सन 1903 में पहली बार हवाई जहाज़ का आविष्कार किया गया था और इस अद्भुत चीज़ को दो अमेरिकन इंजीनियर ऑर्विली और विल्बर ने मिलकर बनाया था, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही रोचक वीडियोस आते रहेंगे। हवाई जहाज़ का वजन इतना हो के भी वो आसानी से हमें हमारी मंजिल पे पहुंचा देता है। इस हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए चार मेन फोर्सेस होना ज़रूरी है। पहला थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट और चौथा और मुख्य लिफ्ट। तो चलिए दोस्तों, हम इन चारों फोर्सेस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट हवाई जहाज़ को आगे की दिशा में चलाए रखने के लिए मदद करता है। थ्रस्ट विंग के नीचे लगे इंजन के द्वारा पैदा किया जाता है, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार काम करता है। ये हवा को बहुत ही फोर्स के साथ पीछे ढकेलता है, जिसके रिएक्शन में हवाई जहाज को आगे की ओर ढकेलती है। दोस्तों, दूसरे नंबर का फोर्स होता है ड्रैग। ड्रैग वो है जो हवाई जहाज को आगे जाने से रोकता है। ड्रैग बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इंड्यूस ड्रैग, फॉर्म ड्रैग, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग और आदि। ड्रैग्स के टाइप्स को मैं दूसरी वीडियोस में आराम से बताऊंगा। नॉर्मली ड्रैग कम से कम रखा जाता है ताकि हमारे हवाई जहाज़ का थ्रस्ट ज़्यादा हो और वो अधिक मात्रा में लिफ्ट प्राप्त कर सके। तीसरा फोर्स होता है वेट। हवाई जहाज़ का वेट उसमें डाले जाने वाले ईंधन और उस जहाज़ की लोडिंग कैपेसिटी या क्षमता पर डिपेंड होता है। वेट अगर लिफ्ट से ज़्यादा होगा तो हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाएगा, इसलिए मुख्य और मेन लिफ्ट है जो कि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब सबसे मुख्य और सबसे आखिरी फोर्स है जो कि है लिफ्ट। दोस्तों, किसी भी हवाई जहाज़ में लिफ्ट ऑलमोस्ट विंग से ही मिलती है। विंग को एरोफॉइल की शेप में बनाया जाता है। लिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थ्योरी है, उनमें से एक बर्नौली थ्योरम है। इस थ्योरम के अनुसार एयरफॉल का शेप इस प्रकार का होता है कि इसके ऊपर का सरफेस बड़ा रहता है नीचे के कंपैरिजन में, जिसके कारण ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा दूरी तक तय करने पड़ती है, वही नीचे वाले एयर मॉलिक्यूल्स को कम दूरी तय करनी पड़ती है। दोस्तों, ऊपर वाला सरफेस बड़ा होने के कारण ऊपर वाले हिस्से के एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही तेज़ी से पीछे की तरफ जाते हैं, जबकि नीचे वाले उससे कम तेज़ी से जाते हैं, जिसके कारण ऊपर वाले सरफेस में वेलोसिटी यानी स्पीड ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होते जाते हैं, और वहीं नीचे वाले सरफेस में वेलोसिटी कम हो जाती है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसी ऊपर और नीचे सरफेस के प्रेशर डिफरेंस के कारण ही लिफ्ट जनरेट होती है और हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। हवाई जहाज़ के ये चारों फोर्स एक दूसरे के इक्वल रखे जाते हैं, जो कि होते हैं लिफ्ट इक्वल्स टू वेट एंड थ्रस्ट इक्वल्स टू ड्रैग, ताकि जहाज़ इक्विलिब्रियम रहे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हवाई जहाज़ को लिफ्ट मिलती है और वो हमें हमारी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में ले जाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।